Let me show you the view from the camp. Just look at this. Good morning, sir. Hey, good morning. Good morning, everyone. Good morning from Chitkul. Good morning. रात को हम लोगों ने ये वाले व्यूज मिस कर दिए थे, बट वी हैव स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल अराउंड. आई विल शो यू फ्रॉम हियर. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सो वी हैव स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल अराउंड. साइड सन है तो शायद नहीं दिख रहा हो. मॉर्निंग में इट वॉज टू कोल्ड. अभी थोड़ा सन बाहर आ गया है तो इट्स बेटर. मॉर्निंग में इट वॉज अराउंड जीरो, बट बीच में खुला एरिया है और चारों साइड स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं तो इट्स अ बिट चिली. जो विंड चल रही है ना वो काफ़ी चिली है, सो इट फील्स लाइक -1 or 2. सो अभी एक्चुअली इनका चाय कॉफ़ी का नीचे इनके ब्रेकआउट एरिया में है, पर हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं. जुगाड़ से सर लेके आए हैं चीज़ें. तो अपनी भी चाय बनाते हैं और व्यूज इंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं. गिरनार मसाला चाय. चलिए जी, हमारी चाय रेडी हो गई है. हम व्यूज़ इंजॉय कर रहे हैं, अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं. इसके बाद हम नीचे चलेंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट का सीन है तो जल्दी से रेडी होंगे, नीचे चलेंगे. आज ट्राई करेंगे कि 8:30 तक हम निकल जाएं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में दिन में पहुँचें और व्यूज़ को इंजॉय कर पाएँ. कल रात हो गई थी तो हम कुछ भी नहीं देख पाए थे. चलिए जी, अपनी चाय इंजॉय करते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर रेडी होते हैं. यहाँ पे कोई बर्ड है विच आई एम ट्राइंग टू कैप्चर इन माई फ़ोन. हाँ, मतलब वहाँ दूर पेड़ पे कहीं है. चलो, इजियर ऑप्शन में आपको पीछे वाला पहाड़ दिखा देता हूँ. हाँ, जस्ट लुक एट दिस. ये है जी हमारे कैमरा पर्सन रुक्साना. देखो, स्टिल आई हैव यूज्ड कैमरा पर्सन. फ्रॉम चितकुल. सो यहाँ पे हम दोनों के फोटो खींच रहे हैं, आशीष सर और हमारे. जस्ट लुक एट द मैजेस्टिक व्यूज. और एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमने कभी वीडियो में नहीं बताई. अभी नहीं बतानी है. चलो ऐसे हिंट दे देते हैं कि मैं और आशीष सर हमारा बहुत पुराना विषय है. हम रिलेटेड है और प्रॉब्ली रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेटली 35 years का है. अरे लैक ऑफ ऑक्सीजन बताया ना मैंने. लैक ऑफ ऑक्सीजन सबको माफ है. यहाँ पे कोई कुछ भी बोले सबको माफ है क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है. चलिए जी, कैमरा पर्सन बढ़िया फोटो खींचो हमारी. अब की बार कैमरा ऑन करते ही बेइज्जती होगी, कोई रिस्पांस नहीं आया. वुल्फ कॉल का पहले वहां से कोई रिस्पोंड कर रहा था दूसरे कैंप से. जस्ट लुक एट दिस. लुक एट द व्यूज फ्रॉम हियर. आया, हां देखता हूं अभी. यहां पे भाई ट्रैफिक जाम हो गया था अभी भाई का. सो जी, अभी हम निकलने के लिए रेडी हो गए हैं. पीछे अमेजिंग वाले स्नो क्लैड माउंटेंस है और वहाँ पे हमारी कैरियर वाली थार है, उसमें अभी सामान रख रहे हैं, उनको यहाँ पे लाएंगे और विल टेक अ शॉट, जैसे फेक ड्रोन शॉट जिसमें पीछे कैमरा जाता है वैसे वाला. चले जी, यहाँ पे द प्लान इज टू क्लाइम ऑन द रूफ टॉप. इनकी मैम खत्म हो तो जी यहाँ से लेट मी क्लाइम ऑन द रूफ टॉप. सो जी, फाइनली वी आर ऑन टॉप. हमारा शॉट कौन लेगा? एक ऐसे लगता है सर. ओके, सो फाइनली हमने अपना शॉट ले लिया है. वी आर ऑन टॉप ऑफ द थार. Just look at this. Just look at the views from here.
सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम चितकुल टुवर्ड्स ताबो. रात को जो आपको दिखा नहीं पाए थे, जस्ट चेक आउट द व्यूज. अभी बहुत अमेजिंग व्यूज आ रहे हैं. मतलब रात को जो हमने मिस कर दिए थे, हम वो रास्ता बैक ट्रैक करेंगे तब आपको दिखाएंगे. प्रॉब्ली यहाँ पे चाइनीज बॉर्डर पास में है तो हम अभी कोई ड्रोन शॉट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं. लास्ट टाइम हमने जो हॉस्टल में ले लिए थे, बट ये जो कैंप है ये इट इज़ फर्दर नियर टू द ITBP चेक पोस्ट एंड एवरीथिंग. सो अगर सिक्योरिटी के लिए रिस्क है तो इट्स बेटर कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसके लिए टूरिस्ट का भी नाम खराब हो, सिक्योरिटी में भी इशू आए, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज होते हैं. सो प्रॉब्ली हम जब यहाँ से ड्राइव करेंगे और आगे पहुँच जाएंगे जहाँ पे इट वुड बी सेफ, तो हम एक शॉट लेंगे पूरे कॉन्वॉय का. दैट इज़ द प्लान. आज पूरा कॉन्वॉय एक साथ है तो हम एक प्रॉपर शॉट लेंगे पूरे कॉन्वॉय का. मीनवाइल आप ये खूबसूरती इंजॉय कीजिए. मैं इसको रॉ रिकॉर्ड कर रहा हूँ. प्रॉब्ली व्लॉग थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि ये वाली ब्यूटी मैं आपको रॉ दिखाना चाहता हूँ. मैं इसमें कट्स नहीं लगा रहा. बट अभी देखिए सामने लाइन ऑफ ऑल द SUVs, स्नो क्लैड माउंटेन्स. इट इज़ फीलिंग वेरी वेरी नाइस. कल रात को जो अंधेरे में गंदे रस्ते थक गए थे, जब इतना इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बट अभी वी आर ऑल एनर्जाइज्ड. वी आर ऑल रेडी टू एक्सप्लोर स्पीति. सो आज हम प्रॉपर स्पीति रीजन में पहुंच जाएंगे. दिस इज मोर ऑफ अ किन्नौर रीजन. सो आज जब हम नाको विलेज वगैरह क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉपर स्पीति के दर्शन होंगे. तो ये सामने जी चितकुल विलेज है और उसके पीछे स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं. हमने अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर दी. हम चितकुल से थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर आगे रुके हुए थे. कैंप जो थे वो बिल्कुल विल्डरनेस में थे. अभी हम वापस चितकुल पहुंच गए हैं. प्रॉब्ली कुछ फोटोज खींचेंगे लास्ट विलेज वाले बोर्ड के साथ, एंड देन वी विल हेड बैक दैट रोड फॉर 40 किलोमीटर्स, 2 आवर्स, सांगला रक्षम वाला रोड लेके वापस उस रोड पे जाएंगे ताकि हम रिकोंगपियो पहुंच जाएं और अपनी स्पीति की जर्नी स्टार्ट करें. तो वी आर ऑल एनर्जाइज्ड, वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड. ये हमारा लास्ट टाइम हम यहाँ पे रुके थे. यहाँ पीछे हॉस्टल है वहाँ पे, जो आपने शायद श्वेता के व्लॉग्स में देखा होगा. दिस टाइम वी बिकॉज यहाँ पे इतनी ना तो पार्किंग थी ना इतने लोगों की अकोमोडेशन अवेलेबल थी, तो इसलिए हमने आगे 2 कैंप फुली बुक किए हुए थे क्योंकि हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 14-15 रूम चाहिए थे. अभी यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे मेन सिटी में. सो ये जो है ये मेन स्क्वायर है चितकुल का, जहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है. प्रॉब्ली अभी तो हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बट मैं बोर्ड आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिसके साथ जनरली लोग फोटो खिंचाते हैं. सो हम फेमस बोर्ड के सामने आ गए जहाँ सब लोग टूरिस्टी लोकेशन जहाँ सब लोग फोटो खिंचाते हैं. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया एट 11,320 फीट्स. नीचे आखिरी ढाबा है जो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखा होगा. हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था. एंड जस्ट चेक आउट दिस व्यूज फ्रॉम हियर. पूरी टीम ने फाइनली इन फोटोज के साथ इस बोर्ड के साथ फोटो ले लिया है. चलिए जी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जितनी छोटी ये जगह है उसमें 40-50 लोगों में होच पोच मच जाता है. सो यहाँ पे हमारा पूरा कॉन्वॉय पार्क्ड है. तेजधार कार बहुत गंदी हो रखी है बट स्टिल लेट्स गो बैक टू द कार और अपनी जर्नी शुरू करते हैं. हाँ तो सर, कल रात को आप जब ठंड लग रही थी कह रहे थे यार क्यों ही आए हैं चितकुल. आपके अब व्यूज बताओ, आई एम लाइकिंग इट. आप कैसे? सही में रात को तो वही सोचा था कि इतना दूर ऐसे रोड पे क्यों आए, लेकिन सुबह में जब उठ के बाहर निकले टेंट के बाहर और आसपास देखा और अभी जो रोड पे दिख रहा है, आई मीन इट्स डेफिनेटली वी शुड नॉट मिस दिस प्लेस. मतलब रात को सिर्फ हमें ये गंदा रोड दिख रहा था, ये स्नो क्लैड माउंटेन्स, ये वादियां नहीं दिख रही थी. पर अभी वादियां दिख रही है ना तो आपका ध्यान ही नहीं जाता है नीचे रोड टूटा हुआ है क्योंकि यू हैव ब्यूटी ऑल अराउंड. सो ये चलता है, टूटा रोड आप सह लेते हो बिकॉज ये ब्यूटी उसको कंपनसेट कर रही है. बट स्टिल वी आर लविंग द ड्राइव बैक. कल मजा नहीं आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी हम 10-12 घंटे से ड्राइव कर रहे थे, बट अभी अच्छा लग रहा है. वी आर फाइन विद द ट्रिप. और अभी मौसम भी काफी सही हो गया है तो 15 डिग्री है, बहुत ही प्लेजेंट मौसम हो गया है. आपने देख लिया टी शर्ट पहने हुए, अभी कोई ठंड वंड नहीं लग रही है. गाड़ी में हल्का सा एसी चला रखा है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गाड़ी तो गर्म ही हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत शार्प है क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन है ना, तो वो आपको फील होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली आप तक आ रही है, ऐसे फिल्टर आउट नहीं हो रही है धूल से मिट्टी से.
वाली स्क्रीन की बात कर रहे थे लास्ट टाइम। लास्ट टाइम इस स्ट्रीम पे हमने ड्रोन शॉट्स भी लिए थे क्योंकि हमारी एक ही गाड़ी थी, अभी कॉन्वॉय बहुत बड़ा है तो रोड पे जैम लग जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। मैं आपको पिछली बार के शॉट्स कुछ होंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा जब हम एंडेवर लेके आए थे यहाँ पे। ऐसे सामने गाड़ी आ जाती है तो आपको आगे पीछे करना पड़ता है, वो इनोवा आ गई थी तो उसको पीछे करना पड़ा क्योंकि वहां पे इतनी जगह ही नहीं है कि दो गाड़ी साइड बाय साइड पास ऑन हो जाए। अभी हम यहाँ पे रुके थे बाकी गाड़ियों का वेट करने के लिए और फिर वहां से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, जस्ट चेक आउट द व्यूज। कॉन्वॉय अभी फ्यूल अप के लिए रुका है क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप काजा में आएगा, तो सब लोग अपनी टंकी फुल करा रहे हैं और फिर हम यहाँ से ताबो के लिए बढ़ेंगे। अभी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 घंटे का रास्ता है ताबो का, रास्ते में नाको लेक वगैरह घूमते हुए जाएंगे तो 5-6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो जल्दी से अपना फ्यूल अप कराते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हो रही है जो हम देख पा रहे हैं, मतलब सामने, क्योंकि ये वाइड एंगल है और दूर वाली चीज़ और दूर हो जाती है। प्रॉब्ली एक जूम लेंस होता तो एक अलग टाइप की फोटो आ सकती थी इन पहाड़ों की, मतलब ऐसे वी शेप में ग्रीन पहाड़ है और बीच में से स्नो क्लैड माउंटेन्स थोड़ी सी झलक दिखा रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी आगे चलेंगे तो खाप कॉन्फ्रेंस आएगी जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, आपको वहाँ से व्यू दिखाएंगे। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है क्योंकि दोनों नदियों का कलर एकदम डिफरेंट है और वो जब मिलती हैं तो मिक्स नहीं होती हैं, वो काफ़ी अच्छा फिनोमेना लगता है देखने में। के लिए कोई वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बस खुद देख के फील करना है इसको, कैमरा वो कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा। अगर आपको जो भी बंदा देख रहा है उसको कभी भी लाइफ में अगर मौका मिलता है ना एट एनी एज, मतलब ये तो कमलेश सर इज अ इंस्पिरेशन फॉर अस। आधे लोग बोलते हैं नहीं भाई लेह लद्दाख ना अब हमारी उम्र नहीं रही, अरे उम्र उमर कुछ नहीं होती है सर, हाउ ओल्ड आर यू? 64 और आप मतलब हम लोगों से 3 गुना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, हमारे ज्यादा एक्टिव हो, तो मतलब एज की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम में आपको कहीं ना कहीं एम बनाना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप चीज है। एक बार आपको स्पीति, ज़ांस्कार, लद्दाख आपको एक बार तो घूमना चाहिए, मतलब टेक माय वर्ड फॉर इट, आप दोबारा वापस मुड़ के आओगे, सेकंड टाइम आप जरूर घूमने आओगे, ये मेरी गारंटी। आप ये नहीं कहोगे भाई एक बार घूम लिया अब मुझे स्पीति या मुझे लद्दाख नहीं आना, मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने कहा यार मजा नहीं आया मैं दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पे। इट्स सो सो ब्यूटीफुल। कौन सी पीक है, त्रिशूल वगैरह कुछ है क्या, बट व्यूज अमेजिंग आ रहे हैं।
सो जी हमने लंच ब्रेक ले लिया है, अभी बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ यहाँ पे पार्क्ड हैं, कुछ पीछे पार्क्ड हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क है। यहाँ पे हाईवे एंड होम स्टे है, यहाँ पे हम अपना लंच करेंगे, तो बाकी लोग आ जाते हैं फिर अपना लंच करते हैं। सो बेसिकली एक होम स्टे है जहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर होम स्टे है, तो मैं फेस वॉश करने थोड़ा फैशन अप होने ऊपर आया था, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, जस्ट लुक एट दिस। अगर आप यहाँ पे स्टे भी करते हो तो दिस इज़ द व्यू जो आपको दिखेगा स्नो क्लैड माउंटेन्स का, और नीचे से रिवर बह रही है। तो अभी नीचे आते हैं, प्रॉब्ली आज लंच स्किप करेंगे क्योंकि रात को मैं बहुत कम सोया हूँ, अभी लंच करूँगा तो मेरे को नींद आएगी। प्रॉब्ली आई विल हैव अ रेड बुल और समथिंग, या एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पियेंगे, हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स खाएंगे। तो नीचे चलते हैं, वो करते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। पफे के लिए लाइन लगी हुई है। सो कल के एक्सपीरियंस के बाद दिस इज बेटर कि कम से कम टाइम तो नहीं लगेगा, बफे है तो। जी लंच करके हो गया है, हम पी रहे हैं झन्नुम। वहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं, वापस से अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, और मैं ऊपर चढ़ी हुई है। तो अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हवा तेज चल रही है तो आवाज़ नहीं क्लियर नहीं आ रही होगी। अभी चेक पोस्ट पर एंट्री करनी थी, हमने चेक पोस्ट पर एंट्री करा दी है, अभी यहाँ से निकलते हैं जी। सो हम फाइनली कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे स्पीति और सुतलेज रिवर मिलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, पुल पे गाड़ी पार्क करना मना है, इसको संगम भी बोलते हैं, खाप संगम एरिया, इंग्लिश में खाप कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट द व्यूज़, यहाँ से पहले आप व्यूज़ चेकआउट कीजिए यार। पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो जो ब्लैक वाली दिख रही है वो आगे, दैट इज स्पीति रिवर, और ये सुतलेज रिवर, ये मिल रही हैं वहां पे, आपको अभी भी कलर डिफरेंस दिख रहा होगा। सो जो कलर है स्पीति का वो थोड़ा डार्क है और इस वाले का ग्रीनिश मडी कलर है, मैं प्रॉब्ली आगे जाके आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। जो वो दिख रहा है वो बंदा बैठा है, तो वो दैट इज स्पीति रिवर एंड दिस इज सुतलेज रिवर। ये वहां पे आपको कलर डिफरेंस वहां पे यू कैन क्लियरली नोटिस, इधर वाला ग्रीन है उधर वाला ब्लैक है। भाई हवा देखो, हवा कितनी तेज चल रही है यहाँ पे, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको, पर हवा बहुत भयंकर तेज चल रही है।